नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्री ब्लॉग के एक नए और बेहतरीन वीडियो में। आज का ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट और इतना बेसिक से होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आज के इस वीडियो में मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर क्यों ना हो, लेकिन इस वीडियो के टॉपिक केसीपी के बारे में बहुत कम जानते होंगे। ये केसीपी एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल मशीन है जो शुगर इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। वो कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इन सारी चीज़ों के विषय पर आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे किन किन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले उसे देख लेते हैं, केसीपी क्या होता है, क्यों होता है, क्या यूज होता है शुगर इंडस्ट्री में, इसका रोल क्या होता है। दूसरी बात, अब इसमें हम ये जानेंगे कि केसीपी का प्रोसेस कैसे होता है, वर्क डन कैसे होता है, इसमें इक्विपमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट, इसमें हम ये जानेंगे कि इसका साइकिल क्या होता है, साइकिल कैसे काम करता है, मतलब एक पूरा एक डायग्राम जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि हमारा केसीपी कैसे काम करता है। तीसरा, आखिर ये जो साइकिल होती है उसकी कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, हम कैपेसिटी कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैलकुलेशन किस तरीके से एक केसीपी वर्क करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानकारी इकट्ठा करेंगे। बस शर्त एक है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और हाँ, ईमानदारी से इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो केसीपी इंडस्ट्रीज के केसीपी सेंट्रीफ्यूगल मशीन के डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले जो जानने वाली चीज है वो ये है कि हम बात करेंगे केसीपी मशीन की। इसमें सेंट्रीफ्यूगल मशीन में पहला हम बात करेंगे केसीपी की, दूसरा हम बात करेंगे थाइसन केरब की, केरब मशीन की। दोस्तों एक चीज आप जान लीजिए, जब कभी भी बात हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन की करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल मशीन की, तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक एक करके समझो। पहला होता है केसीपी और दूसरा होता है थाइसन केरब। आज हम तीसरा जो होता है वो होता है NHEC। दूसरी चीज, हम आज के वीडियो में पहला केसीपी, दूसरा थाइसन केरब, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बस शर्त इतना, जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। आपका एक लाइक YouTube के एल्गोरिथम को ये बताता है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने फोटोज को सेलेक्ट कर लिया है, चलिए अब इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर और अच्छे ढंग से समझ में आए। ये देख लीजिए, इसमें आपको जो क्लियरली दिख रहा है ये सारे के सारे केसीपी मशीन्स हैं दोस्तों। कलर चेंज करते हैं और ये केसीपी मशीन में ये वाला सेक्शन जो है ये ब्लोअर का सेक्शन है। साथ ही साथ ये पूरी जो लंबी श्रृंखला दिख रही है, ये लंबी श्रृंखला हमारी मोटर सेक्शन है और नीचे का पूरा हिस्सा ये मोटर का केसीपी मशीन का सेक्शन है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये बॉक्स HMI का है। किसका है दोस्तों? HMI का है। और ये HMI किस तरीके से काम करती है, क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे प्लांट में टोटल 10 नंबर्स ऑफ KCP लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर अब लिखते भी चल रहा हूँ। KCP की जो पूरी संख्या है वो 10 नंबर है और साथ में साथ थाइसन की जब हम बात करेंगे तो थाइसन की पूरी जो संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, KCP 1250 कैपेसिटी का है और जो हमारा थाइसन है वो 1750। अब ये 1250 और 1750 क्या है, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स का शर्त लगा लीजिए, उनको तो सबसे पहली बात कैपेसिटी नहीं पता होगी, दूसरी चीज ये क्या होती है इसके बारे में डिटेल पूछ लिया जाए तो वो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, ये मेरा दावा है। और आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए, ये जो लंबा पैनोरमा शॉट देख रहे हैं, वीडियो ब्लर हो सकती है थोड़ी सी फोटो, इसी को हम थाइसन मशीन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? थाइसन मशीन। और ये थाइसन मशीन जो है थोड़ा सा कॉस्टली आता है, हालांकि NHEC से कम ही कॉस्टली आता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। इसको चलाने के लिए हम ACS 800 की ड्राइव यूज़ करते हैं और ये ड्राइव जो होती है ये ABB की होती है। और इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, वो हम BFD वाले वीडियो सेक्शन में कवर करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो इसका ड्राइव है वो ये है। आप वीडियो की लिंक जरूर मैं नीचे दे दूंगा, BFD वाली वीडियो की सीरीज जरूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। दूसरी चीज, इस मशीन में जो कैपेसिटी है वो कैपेबिलिटी है 1750 पर साइकिल। अब 1750
सॉरी 1750 केजी जो पर साइकिल का है वो क्या होता है, इस बात को समझ लीजिए। जो हमारा थाइसन मशीन होता है, उस थाइसन मशीन का एक पूरा टाइम साइकिल होता है। अगर हम इस पे टाइम का ले लें और वाई एक्सिस पे हम इसका वर्क का जो प्रोसेस है उसको ले लेते हैं। इस ड्यूरेशन में सम टाइम्स ये कांस्टेंट स्पीड पर चलती है, आफ्टर दैट इसका आरपीएम शूट अप करता है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर डाउन धीरे धीरे होता है और फिर शूट अप कर जाता है। ये इसका वर्क एस एटमोसफियर है, एक इस तरीके से काम करता है। इस पूरे एरिया को, इस पूरे सर्कल को हम एक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक साइकिल कहते हैं। मैं इसको आपको एचएमआई सेट पर दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है। अब एक साइकिल में ये जो मटेरियल, माल जिसे आप लोग कहते हैं हिंदी में, जो मटेरियल होता है ये कितना गिराता है, वो कैपेसिटी होती है 1750 की। क्या होती है दोस्तों? 1750 की। मतलब अगर हमारा थाइसन मशीन, दो चीज़ें हैं, थाइसन मशीन और केसीपी मशीन, दोनों कवर करते हैं। अगर हमारा थाइसन मशीन एक साइकिल पूरा कंप्लीट करेगा तो उस पूरे एक साइकिल में टोटल टोटल 1750 केजी पर साइकिल ये मटेरियल रिलीज करेगा, ऐसा थ्योरी कहती है। प्रैक्टिकली क्या होती है उस पर भी बात करेंगे। केसीपी जो है वो 1250 केजी पर साइकिल ये भी डाउन करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सेक्शन आपका थाइसन मशीन का है। अच्छा, ये क्या क्या है इसको भी आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है। मैं कर देता हूँ ब्लैक से ही करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये पूरा सेक्शन आपका मोटर का है, ये आप देख ही रहे हैं, ये पूरा सेक्शन मोटर है। ये मोटर का टर्मिनल बॉक्स है, ये एचएमआई सेट है, यहीं से ऑपरेटर पूरे पूरे मशीन को ऑपरेट करता है। ये इतना सेक्शन हमारा मशीन का है। किसका है दोस्तों? मशीन का है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं उसकी बात करता हूँ। ये है हमारा पग मिल। क्या है दोस्तों? ये है हमारा पग मिल। ये माल इसी में रहता है, इसी के थ्रू माल हम अंदर इंसर्ट करते हैं जिससे ऑपरेशन होता है। चलिए, अब आपको एक बेसिक फंडा तो क्लियर हो गया, अब हम डीप स्टडी के लिए इसके अंदर घुसते हैं और इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। आगे बढ़िए। ये फर्मोप्लास्ट की एक मशीन है। तो फर्मोप्लास्ट के मशीन में जो ये सेक्शन है ये हमारा लगा रहता है बीएफडी पर। अब कलर हम चेंज करेंगे, बीएफडी पर लगा रहता है। किस पर लगा रहता है दोस्तों? बीएफडी पर। ये बीएफडी कौन से टाइप की होती है एक चीज़ और जान लीजिए, मैंने बताना भूल गया मैं। जितनी भी केसीपी होगी वो हमारी चलेगी किस पर? वो चलेगी हमारी DCS 800 की ड्राइव पर। और ये DCS 800 ड्राइव जो होगी वो ABB की होगी। किसकी होगी दोस्तों? ABB की होगी। तो इसमें जो ऑपरेशन है PLC के थ्रू की जा रही है वो पूरे मशीन का इसमें सेक्शन दिया है। क्या क्या? एक एक करके हम समझेंगे, आराम से समझेंगे, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन एक एक करके समझेंगे। ये इतना एरिया जो होता है ये चार्जिंग का होता है, ये इतना जो एरिया होता है ये स्पिनिंग का होता है, ये इतना जो एरिया होता है ये प्लाविंग का होता है। चार्जिंग क्या होता है, स्पिनिंग क्या होता है, प्लाविंग क्या होता है, देखिए खूब आसानी से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, जरा सा भी इधर उधर मत समझिएगा। देखिए, चार्जिंग का मतलब ये होता है कि हमारी मशीन चार्ज हो रही है। चार्ज होने का मतलब ये है कि मशीन का जो एरिया होता है, वर्किंग एरिया, इसमें मटेरियल आ रहा है, मटेरियल अंदर भर रहा है इसमें। अब इस मटेरियल को जब चार्ज कर लेता है कम्प्लीटली, इसमें आ जाती है, इसमें स्टीम वगैरह सब कुछ डाल लेते हैं, इसके बाद जो हमारा आरपीएम शूट अप करता है, उसके बाद स्पिन करता है। स्पिन का मतलब ये सेक्शन जो है ये मैक्स आरपीएम का है। किसका है दोस्तों? मैक्स आरपीएम का। मतलब जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम रीच लेवल पर पहुंच जाती है और यहां पर स्पिनिंग होने लगता है इस पूरे मटेरियल में। और स्पिनिंग के बाद जब हमारा मटेरियल पूरा तैयार हो जाता है नीचे गिराने के लिए हॉपर में, उसके बाद जो डाउन प्रोसेस होता है उसे हम प्लाविंग प्रोसेस कहते हैं। इतना आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि सेफ्टी का सिस्टम, हेल्दी का क्या मतलब होता है, ट्रिपिंग का क्या मतलब, ऑटो का क्या मतलब। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो सेक्शन है ये ब्रेक का सेक्शन है, यहीं से ब्रेक लगता है। ये जो है ये हमारा माल है, माल वाला जो पगमिल का सेक्शन मैंने बताया था, यहाँ से वाल खुलता है, यहीं से सूट वास होता है, और ये लोअर वाल है और यहाँ पर सूट वास होता है। ये हुड अप का सेक्शन है, ये इंटर हुड है, और ये हमारा हुड डाउन का सेक्शन है। इस ड्यूरेशन में फॉरवर्ड होता है, डाउन होता है और बैकवर्ड होता है, और ये सिर्फ एंड लाइटिंग है। ये इस पर हुड अप होता है। ये पूरा प्रोसेस है, ये देख लीजिए रनिंग प्रोसेस के बारे में, ये पूरा एक रनिंग प्रोसेस है। ABB का मॉडल DCS 800 में ये आपको मिल जाएगा फ्रंट पर। ये रनिंग मॉडल है, ये रनिंग मॉडल KCP का है दोस्तों। किसका है दोस्तों? KCP का है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी के।
अब आते हैं हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन पर। इस सेक्शन को क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। इसको हम कहते हैं HMI। क्या कहते हैं दोस्तों? HMI। HMI जो होता है, यहीं से हमारा ऑपरेटर पूरा काम करता है, पूरी तरीके से कंट्रोल करता है पूरे मशीन को। चलाने का सेक्शन यही होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये क्या है? HMI है। आगे बढ़ते हैं। ये इसकी पूरी सेटिंग है। प्लाउ इनेबल, इन हुड, प्लाउ फॉरवर्ड, हुड अप, प्लाउ डाउन, साइकिल ऑफ, साइकिल डेटा, मेन, वाटर वास, रीसेट, मीनू, वाटर वास, डबल वास, हिस्ट्री, फॉल्ट हिस्ट्री, PLC, स्टेटस और सेटिंग। और आगे बढ़ें, चलिए ये देखिए, ये पूरा सेक्शन है। इस ड्यूरेशन में मशीन हमारी प्लाउ डाउन कर रही है, मतलब माल को नीचे गिरा रही है, RPM है 50। आगे बढ़िए, अभी और समझ में आएगा आपको। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसे हम टाइमर सेटिंग कहते हैं। जो हमारी PLC होती है वो किस तरीके से काम करती है, इसी सेक्शन पर निर्भर होता है। इस सेक्शन में जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसका मैं चाहूँगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अच्छे से पढ़िएगा कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये काम कैसे करता है। उसको तो मैंने बता दिया, लेकिन ये प्रोसेस है और कितने सेकंड पर कितना कौन सा प्रोसेस ऑपरेट होगा, कितना टाइम लेगा, ये इसका टाइम सेटिंग है। मैं इसे क्लीन करता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे और अच्छे से समझ में आएगा आगे जब हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चार्जिंग स्पीड है। अगर 150 पर जाएगा तो ये चार्जिंग कंप्लीट कर देगा। ये स्पिनिंग स्पीड है, 1200 RPM पर स्पिन करेगा। प्लाउ स्पीड 50 है। और आगे जाते हैं। अब हम इस पूरे सेक्शन को समझ लिए, अब हम समझते हैं कि ये 1750 और 1250 का क्या खेल है। चलिए दोस्तों, एक नॉर्मल स्पीड की बात करें तो जो 1750 वाली मशीन है वो टोटल मान के चलते हैं 2.5 से 2.8 मिनट तक लेता है टाइम। और जो हमारा 1250 kg वाली मशीन है, ये मैक्सिमम मान के चलिए 2.8 से 3 मिनट का टाइम ड्यूरेशन लेता है। ये टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, जो मैंने बताया मटेरियल को प्लाउ डाउन करने का, मटेरियल तैयार हो जाना सेंट्रीफ्यूगल के आफ्टर, वो इनकी टाइमिंग है जो इतने समय बाद पूरा स्पिन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और यही स्पिन प्रोसेस जो होता है ये करवाता है टोटल हमारा BFD। क्या करवाता है दोस्तों? BFD। अब इसमें BFD जो करवाएगा तो करवाएगा ही, आगे हम आपको एक पूरा वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर हम आपको दिखाएंगे BFD में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज में लाए जाते हैं। पहले ये प्रोसेस देख लीजिए। इस सेक्शन में मैं आपको TNC HMI का ऑपरेशन करके दिखाऊंगा, किस तरीके से ऑपरेटर इसको चलाते हैं। सबसे पहले हम मीनू में जाकर के आपको दिखाते हैं कि फॉल्ट सेक्शन को हम कैसे पता करते हैं कि अगर हमारा कोई फॉल्ट आए, जैसे ये सारे के सारे फॉल्ट आपके सामने जो शो अप हो रहे हैं, इसकी टाइमिंग और डेट आपके सामने दी गई है और ये TLC के पूरे के पूरे कंट्रोल। इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ें तो इसी तरीके से हम अगर आपको PLC का स्टेटस देखें तो ये पूरा PLC का प्रोग्रामिंग है, किस तरीके से कौन सा PLC कब कहाँ पर क्या काम करेगा, कौन से PLC का कौन सा टाइप नंबर है, इन सारी चीज़ें ये सेक्शन दिखा रहा है। यही से हम पार्ट का टेस्ट करते हैं। अब हम आ गए हैं BFD वाले सेक्शन पर, जिसमें हम आपको आपने वो एक पीछे फोटो दिखाया था कि DCS 800 के टाइम में दिखा रहा है, वो यही है, यही से काम करता है। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहने के साथ साथ ये वीडियो सबसे पहले एक यूनिक सा व्यू लेकर के आई होगी, क्योंकि इसके पहले आपको ये वीडियो कहीं नहीं देखने को मिली होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसको बोल रहने के लिए जरूर शेयर करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए और वीडियो में। चलिए।